को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, तो पाकिस्तान के अंदर नवा तारीख बनेगा। जो टीन में जो है ना वो ईटे डालते हैं ना, गड़गड़ 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 गड़गड़, ये ऐसे गड़गड़ गड़ करते हैं। यकीन कर बस वाले को, मोटरवे में हम जब आ रहा था, अच्छा, हमने बोला अगर धुंध नहीं है तो अंधा धुंध चलेगा। हम बाज शरीफ से, शाहबाज शरीफ से, बिलावल भुट्टो से, जरदारी से, पहला पूरा मुल्क वोट उसको देगा, कर्जा मुल्क का अदा करेगा, महंगाई खत्म करेगा, बेरोजगारी खत्म करेगा, पेट्रोल को सस्ता करेगा। हम पूरा मुल्क इसके साथ है। क्या करने देंगे गिरफ्तारी? देखने हैं गिरफ्तारी, देखने इसका है। ये जो वाल है ना, अच्छा, इमरान खान का पाकिस्तान में पाक फौज का, अच्छा, के अंदर हमारा इसका एक वाल भी नहीं बिगाड़ सकता, एक वाल। अच्छा जी, बिल्कुल गारंटी है हमारा। अच्छा, हाँ, पाक फौज का और हमारा कैद इमरान खान का और वजीर साहब का, वजीर आला उस्मान बुजदार का। अच्छा, अगर इनको गिरफ्तार कर लिया, अच्छा, तो पाकिस्तान के अंदर नवा तारीख बनेगा। वजीर आला उस्मान बुजदार तो है ही नहीं अब तो, वो साहब का वजीर आला वो, हाँ। उसका इतनी मोहब्बत उस्मान बुजदार से, वो इमरान खान का सिपाही है। अच्छा, पाकिस्तान का सच्चा लीडर है। अच्छा जी, ये बिल्कुल गारंटी है। तो फवाद चौधरी सच्चा लीडर नहीं है? नहीं, सारा सच्चा लीडर है, जो पीटीआई का लोग है ना, वो सारा सच्चा लीडर है। तो फवाद चौधरी हमारा नवाज शरीफ से, शाहबाज शरीफ से, बिलावल भुट्टो से, जरदारी से, पहला पूरा मुल्क वोट उसको देगा, कर्जा मुल्क का अदा करेगा, महंगाई खत्म करेगा, बेरोजगारी खत्म करेगा, पेट्रोल को सस्ता करेगा। हम पूरा मुल्क इसके साथ है, ये मांग ही करेगा, इसको एक पर्ची नहीं मिलेगा। तो वो तो कहते हैं इनको आने नहीं देना, खान साहब को इनको नाहल भी कर देना, गिरफ्तार भी कर देना, तो आप करने देंगे फिर सारा कुछ ये? भाई बातों में बातें लोग करते हैं। अच्छा, जो टीन में जो है ना वो ईटे डालते हैं ना, गड़गड़ 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 गड़, ये ऐसे गड़गड़ गड़ करते हैं। अच्छा, ये हमारा पीटीआई का जो आवाम है ना, एक जेला का भी एक वाल नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, कितना गिरफ्तार करेगा? तो कैसी तैयारी करके आए आप डेरा गाजी खान से? हमारे जो है ना, हमें जो इतला मिला, यकीन कर बस वाले को, मोटरवे में हम जब आ रहा था, अच्छा, हमने बोला अगर धुंध नहीं है तो अंधा धुंध चलेगा। हम जमान पार्क में पहुंचेंगे, अपना कैद को सलाम करेंगे और इंशाल्लाह ये सच्चा है, सच्चा रहेगा और पाकिस्तान को आजाद करेगा। नहीं तो आप अंधाधुंध लाहौर पहुंचेंगे। ये जो यूर अवाम है ना, इनको अल्लाह ताला ने अकल दिया कि ये सच्चा लीडर है। ऐसा जो बेअकल आदमी है या चोर होता है या डाकू होते हैं, उनके पीछे कौन जाता है? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि वो कुछ भी प्लान करते हैं, कुछ भी मंसूबा बनाते हैं, खान साहब को पहले सू लग जाती है, पहले पता चल जाता है, इसलिए उनका प्लान बाज का उल्टा पड़ जाता है। आपको क्या लगता है, खान साहब आए, केयर टेकर गवर्नमेंट आई पंजाब की, मोहसिन नकवी साहब, खान साहब ने कहा जी ये खुला दुश्मन है हमारा और जनाब ये हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा, वही होना शुरू हो गया, अब आपने क्या करना है? हमारे पाकिस्तान के अंदर जो जनसी है ना, अच्छा, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो तेज है। अच्छा जी, बिल्कुल आल दुनिया में तेज है हमारा पाकिस्तान का जनसी है। अच्छा, पाक फौज है जी, हमारा पाक फौज से पूरा मुल्क से अवाम से ये पीले, इलेक्शन से बगैर पाकिस्तान आजाद नहीं होएगा, पहला इलेक्शन, उससे बाद देखा जाएगा, वो भी मेरिट का इलेक्शन। तो अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते, जो कि सुनने में आ रहा है कि 90 दिन में इन्होंने नहीं करवाना, तो अगर ये नहीं करवाते तो फिर ये आम कारकुन जो है वो क्या करेंगे, क्या करना होगा, इंतजार करते रहेंगे? इंतजार इलेक्शन से बगैर पाकिस्तान का और हल नहीं है। चलो ठीक है, ये तो मान लिया ना, हाँ। अगर वो नहीं करवाते तो फिर क्या करना है? ये अगर नहीं करेगा ये भी अजाब में रहेगा, हम लोग भी इनके साथ खड़ा रहेगा, इमरान के साथ दिन रात। अच्छा, यहाँ पे फिर आप डेरा गाजी खान से आ गए, चादर चूदर कंबल कुंबल ले आए? हम हमारा जो है ना सब हमारा फैशन है, दिन रात गर्मी हो या सर्दी हो, अच्छा कोई परवाह नहीं, वर्दी है बस। अच्छा, हाँ, तो ये सिपाही बन के आए आप? हम सिपाही बन के आए। क्या खा के आ गई आप? ना आपको सर्दी लग रही है, ना आपको कोई थकावट हो रही है? मैं रात से देख रहा हूँ ऐसी चाकू चौबंद चेहरे, फ्रेश फ्रेश। अस्सलाम वालेकुम। देखिए इमरान खान जो है ही वो हमारी रेड लाइन है, हम उनके ऊपर कोई किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे।
और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो अपने हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर कर के थकी जा रही है और किए जा रही है, बट हम लोग नहीं थक रहे। और जो है हमारा जज्बा वही उसी दिन है की तरह है जैसे पहला दिन था। सो आई थिंक इवेंचुअली दे विल टायर आउट एंड दे विल डाई ऑफ एंड इंशाल्लाह इमरान खान इज़ गोइंग टू विन, बिकॉज हमें यहाँ पे ना बारिश धूप सर्दी गर्मी कुछ जो है हमें उसका वो नहीं है। वी आर देयर फॉर आर खान। पाकिस्तान में गद्दार पकड़े जाते हैं अभिनंदन कुलभूषण यादव जैसे, उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, गर्मा गर्म चाय फर्स्ट क्लास तैयार करके पेश की जाती है, और बाकी जो वजीर है उनको पकड़ते हैं तो दहशतगर्दों की तरह पेश करते हैं, तो ये क्या जाती नहीं हो रही आपके साथ? देखिए उनके पास और कोई चारा ही नहीं है कि वो एक्चुअली नंगे होते चले जा रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड। हालांकि खान कुछ नहीं कर रहा, बट खान की खामोशी और उस वो ही उनको जो है एक्सपोज किए जा रही है। जब वो एक्सपोज हो रहे हैं तो दे हैव नो अदर वे देन टू ट्राई एंड एक्सपोज पीपल फिजिकली बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू एक्सपोज। एब्सोल्युटली जो हमें हमारा लीडर कहेगा वी आर हियर टू फॉलो हिज ऑर्डर्स। मुझे बताइएगा कि दो रातें तो गुजर गई हैं, अब कितना ये लंबा होता है आप फिर यहीं पर डटे हुए? जी इंशाल्लाह हम लोग एक दो रातों के लिए नहीं, जब तक ये जो लोग थे जिन्होंने हमारे खान साहब को अरेस्ट करने के लिए कॉल दी ना, तो ये जितनी रातें हमें कहेंगे ना कि हमारे हम यहीं पर खड़े हैं। अच्छा। एक दिन दो दिन तीन दिन महीना साल हम यहीं पर इन्हें मिलेंगे। ठीक है, ये जो धमकियां दे रहे थे कल परसों जो इन्होंने धमकी दी, तो ये कहाँ थे, आए क्यों नहीं? कल तो हम सारा दिन यहीं थे, फजर से लेके रात 12 बजे तक मैं यहीं पे थी, तो क्यों नहीं आए? अच्छा एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि वो करना तो खान साहब को ही रेस्ट था, मगर जब वो बात लीक आउट होगी खान साहब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई आप लोग सारे इधर आ गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए फवाद चौधरी को पकड़ लिया। ये बुजदिल लोग है ना, आप ये एक एक करके खान के जो टाइगर्स है ना उनकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक ब्लैकमेल करने का तरीका है खान साहब को, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये किस शख्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बुजदिल आदमी नहीं है, इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर आप देखें कंटेनर्स पे खड़े रहे और जलसे करते रहे, रैलीज निकालते रहे, अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने हमारे लिए गोलियां खाई हैं। तो आप क्या समझते हैं सारी बुकलाहट में कर रहे हैं वो? ये जनाब वो डर के ही कर रहे हैं। देखिए अगर उन्होंने अरेस्ट करना होता तो वो कल आ जाते। अच्छा। जब उन्होंने कॉल दी कि जनाब हम अरेस्ट करेंगे खान साहब को, वो खान साहब की तरफ देखे तो सही ना, ये सब बैठी है हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे, वो एक दफा दाखिल तो हो ना गेट से, जमान पार के गेट से, फिर हम उन्हें खुद बताएंगे कि खान की तरफ उंगली उठाओ, खान की तरफ आंख उठाओ, तुम देखो कि ये बहनें सिर्फ ये बहनें इनको जो है ना जवाब देंगी। तो मार मिटने के लिए तैयार है फिर? बिल्कुल, खान से पहले उन्हें हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।